हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो भारतीय संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है उसके बारे में हमें पढ़ना है, राइट? तो यहाँ पे हर एक कंट्री का नाम मैंने लिखा है, साथ में मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखी है जिससे मैंने खुद याद किया है, सो दैट मैं आपके साथ भी उस नॉलेज को शेयर कर सकूँ। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। प्लस इसी के साथ मैं एंटायर पॉलिटी थ्रू समरी नोट्स पढ़ा रही हूँ, मतलब थ्रू इस तरह के हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ा रही हूँ। तो अगर आप पॉलिटी इस तरह से पढ़ना चाहते हैं, जल्दी से मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो सोर्सेज में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है क्या? एक कॉन्टिनेंट भी है, एक कंट्री भी है, राइट? अब ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है उसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, CGLF। CGL क्या है? एक एग्ज़ाम है, SSC के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, CGL फेल, ठीक है? तो CGL फेल, अब G को हम J से रिप्लेस कर देंगे। तो C स्टैंड्स फॉर कॉन्करेंट लिस्ट, J स्टैंड्स फॉर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, L स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल एंड F स्टैंड्स फॉर फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कमर्स। इस तरह से आपको ये टिप्स पे हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है? नेक्स्ट है आयरलैंड। आयरलैंड, लैंड मतलब एंड, कुछ एंड लग रहा है, मतलब एंड हो गया। अब एंड में भी हर एक वर्ड जो है, हर एक अल्फ़ाबेट आप कह सकते हैं, अलग अलग चीज़ के लिए स्टैंड करता है। जैसे कि E स्टैंड्स फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट। प्रेजिडेंट के इलेक्शन कैसे होंगे, ये तरीका हमने आयरलैंड से लिया है। एन मतलब नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा में कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे, ये चीज़ भी हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, ओके? डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी होंगे हमारे संविधान में, ये भी हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से लिया है, राइट? अब हम पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका के बारे में। साउथ अफ्रीका के लिए हमने AE रखा है, असिस्टेंट इंजीनियर। AE में A स्टैंड्स फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट की जा सकती है, ये हमने साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट है E। E स्टैंड्स फॉर इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के जो इलेक्शंस होंगे कैसे होंगे, ये प्रोसीजर भी हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से लिया है। अब देखिए, हमने तीन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फोर्थ वन के बारे में, जो कि है रशिया। रशिया मतलब FF। FF में F स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट थ्री में आती हैं। एंड द सेकेंड F स्टैंड्स फॉर 5-year प्लान्स। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों हमने रशियन, जो हमारा रशियन कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ से लिए हैं। देन कम्स कैनेडा। कैनेडा मतलब FDR, ठीक है? FDR जो है, FDRD, उस तरह से आप याद रख सकते हैं। FDR में F स्टैंड्स फॉर फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। इंडियन एक फेडरेशन है जिसमें सेंटर की पावर ज़्यादा है, सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये वाली चीज़ हमने कहाँ से ली है, कनाडा से ली है। डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। स्टेट और सेंटर में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सेंटर थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, स्टेट थोड़ी कम स्ट्रॉन्ग होगी, ये वाली चीज़ भी हमने कहाँ से ली है, कनाडा से। आर स्टैंड्स फॉर रेजिडरी पावर्स। रेजिडरी पावर्स किसके पास होती हैं, ऑब्वियसली सेंटर के पास होती हैं, ठीक है? ये चीज़ भी हमने कहाँ से ली है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। देन स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेगा नहीं, बट इससे हमने दो चीज़ें ली हैं, लोकपाल एंड लोकायुक्ता। मतलब जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं ना, अगर उन पर कोई चार्जेस लगते हैं, करप्शन चार्जेस, तो उनको स्टडी करने के लिए जो हमारी हेड, आप कह सकते हैं हेड होते हैं, वो होते हैं लोकपाल सेंटर में, लोकायुक्ता स्टेट में, ओके? देन कम्स जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी। जब एमरजेंसी लगेगी, जैसे कि नेशनल एमरजेंसी है या फिर फाइनेंशियल एमरजेंसी है, तो उस टाइम हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, ये वाली चीज़ हमने कहाँ से ली है, जर्मनी से ली है। देन कम्स जापान। जापान से हमने क्या लिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। लॉ के थ्रू जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया है, वो चीज़ हमने जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। देन फ्रांस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि क्वालिटी हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, हमें पता ही नहीं चलता, हमने पढ़ा ही नहीं होता है बुक में, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस से हमने लिया है फेल। फ्रांस मतलब फेल, वैसे तो FELL होता है, बट यहाँ हमें एक ही एल की ज़रूरत है। फेल में F स्टैंड्स फॉर फ्रेटर्निटी, E स्टैंड्स फॉर इक्वालिटी एंड L स्टैंड्स फॉर लिबर्टी। फाइन, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हमारे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, UK एंड USA, वो रह गए हैं, तो अब हमें वो करने हैं, ठीक है? एक बार एडजस्ट करने दीजिए। ओके, सो द फर्स्ट वन इज़ UK एंड देन वील स्टडी द USA। UK से हमने क्या क्या लिया है, UK के लिए मैंने ट्रिक जो अप्लाई की है वो है RCC सिंगल लॉ BPP, राइट? RCC सिंगल लॉ BPP। RCC में R स्टैंड्स फॉर रूल ऑफ लॉ। आप दो तीन बार इसको पढ़ोगे ना, आपको थोड़ा टफ लगेगा, कोई कहानी काला कुत्ता आया ये लाया, वैसी वैसी ट्रिक्स मेरे पास आपको नहीं मिलेंगी।
इन ट्रिक्स को आप जैसे ही दो तीन बार पढ़ोगे ना, आपके टिप्स पे सब कुछ हो जाएगा। जैसे यूके से हमने लिया है आरसीसी, रूल ऑफ लॉ, सी कैबिनेट सिस्टम, सी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सिंगल, सिंगल सिटीजनशिप, लॉ स्टैंड्स फॉर लॉ मेकिंग प्रोसीजर, बी स्टैंड्स फॉर बाइकैमरल पार्लियामेंट, पी स्टैंड्स फॉर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, एंड पी स्टैंड लास्ट पी स्टैंड्स फॉर प्रेरोगेटिव रिट्स। ठीक है, ये हो गया जो हमने यूके से लिया है। देन कम्स यूएसए। तो यूएसए के लिए हमारी ट्रिक क्या है, वेयर इज़ वाइस प्रेजिडेंट एंड एस पी फनी सिंह, जहाँ मैंने ये अंडरलाइन किया है ना, मतलब ये हमें वर्ड्स यूज़ करने हैं। वेयर का मतलब डब्ल्यू लेना है, डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, आई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, वी दैट वाइस प्रेजिडेंट इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, पी प्रोविजन ऑफ स्टेट्स, एस सुप्रीम कोर्ट, पी प्रीएम्बल, एफ फंडामेंटल राइट्स, एस सैकिंग ऑफ जजेस एंड रिमूवल। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया हो। इसमें वैसे समझने वाला था ही नहीं, कुछ ट्रिक्स थी एंड कुछ नोट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको क्या पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।